क्या बहुत जल्द गिरने जा रही है तेलंगाना की नई नवेली कांग्रेस सरकार? आप कहेंगे कि अभी तो कांग्रेस की जीत में पहनाए गए हार का फूल भी नहीं सूखा और आप हैं कि सरकार गिराने की बात करने लगे। तो भाइयों बहनों, सरकार गिराने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात वहां से निकली है जहां से ऑपरेशन लोटस चालू होता है, और सिर्फ निकली नहीं है, पुलिस के पास तक पहुंच गई है, जांच की मांग भी हो गई है। यानी तेलंगाना की सरकार को लेकर आप कह सकते हैं कि अभी सरकार बढ़िया से बनी नहीं, गिराने वाले पहले आ गए। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, एकदम आसान भाषा में बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। मैं अक्सर कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ नरेंद्र मोदी। केजरीवाल का हाल वही है कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। ये अलग बात है कि ये वाला फार्मूला खाली उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल ने मोदी सरकार को चक्रघिन्नी में फंसा दिया है, इस मामले पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी पूर्व सेना जनरल M.M. नरवड़े की। उन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब में अग्निपथ योजना को लेकर कुछ बड़े गंभीर खुलासे किए हैं। ये मामला बहुत ही चौंकाने वाला है। इसके साथ ही सेना से जुड़े हुए अभ्यर्थियों की कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा, और ये सारा काम शुरू में ही निपटा लिया करिए। आपका कुछ खर्च नहीं होता लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ साल पहले मोदी सरकार अग्निपथ नाम से तीनों सेनाओं की भर्ती योजना लेकर आई, पूरे देश में जमकर इसका विरोध हुआ। जब युवा खुलेआम सड़कों पर उतर गए तो उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया गया, जैसे कि कैमरे में जिसकी तस्वीर आ जाएगी उसे हर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें और अफवाहें लोगों के बीच फैला दी गई। अब इन सारी चीजों को देखते हुए धीरे धीरे मामला गड़बड़ा गया और विरोध दबने लगा, कम नहीं हुआ। विरोध के कम होने में और दबने में बड़ा फर्क होता है। विरोध दबा लेकिन आज भी हर एक नौजवान के मन में इसे लेकर कसक भरी है, टीस भरी हुई है। वहीं इस योजना के आने के बाद उन नौजवानों को बहुत बड़ा झटका लगा जो इससे पुरानी भर्तियों में चयनित थे, परीक्षा पास कर चुके थे, आखिरी चरण बाकी था। उन लोगों को यह उम्मीद थी कि अब बस नौकरी मिलने ही वाली है, लेकिन नौकरी मिलने वाली ही रह गई, मिली नहीं। नौकरी की मांग करने वाले बहुत सारे नौजवान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मांग 3 सालों से कर रहे हैं। ऐसे में एक नौजवान ने हमें फोन करके ये सारी बातें बताई। उनका कहना है कि अब उन्हें जंतर मंतर पर धरना करने की परमिशन भी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही उस नौजवान ने यह भी बताया कि वायुसेना की भर्ती जो लगभग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, उस मामले को लगातार टालते टालते बाद में अचानक भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इस दौरान चयनित युवाओं को यदि कहीं और भी मौका मिला तो उन्हें लगा कि हम तो सेना में भर्ती हो ही चुके हैं, अब दूसरी जगह क्यों जाएं। यानी सेना की नौकरी के चक्कर में अन्य मौके भी समाप्त हो गए, उम्र बढ़ती गई और अब स्थिति यह है कि सब विश्व गुरु के बेरोजगार बने बैठे हैं, और बैठे भी कहां हैं, बैठकर धरना देने का स्थान भी नहीं मिल रहा है। जिन सैनिकों को सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी चाहिए, वे बेचारे दिल्ली में कहां बैठकर धरना दें, इसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। अरे भाई, यदि चीन हमारी जमीनों पर कब्जा करेगा, गांव बसाएगा, तो कोई है वो आकर बोल देगा कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, बाकी तो गोदी मीडिया है, ये है माहौल बनाने के लिए। यहां एक और मामला उस नौजवान ने हमें भेजा। उनका कहना है कि कोविड से पहले सेना की भर्ती आई थी, उसमें फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, अंतिम चरण की परीक्षा होनी थी, लेकिन कोविड के नाम पर उसे कई बार टाला गया, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी टाला गया। हालांकि उसी के दौरान बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां होती रहीं, ये तो आपको याद ही होगा। लेकिन सैनिकों की परीक्षा सैनिक भर्ती नहीं हो सकती थी, उससे देश खतरे में आ जाता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये नौजवान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्होंने भी इन्हें आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको याद होगा यूपी में राजनाथ सिंह भाषण देने पहुंचे थे तो आर्मी भर्ती के जवानों ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि सेना भर्ती पूरी करो। इस पर सरेआम उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्या का हल लेंगे, पूरी करेंगे, लेकिन आश्वासन खाली मायके में फंसकर रह गया, माइक से बाहर नहीं निकल पाया और अंततः गुत्वा इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। अब छात्रों का आरोप है कि इसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होनी थी जो कि परमानेंट जॉब वाली है, यानी वो 4 साल वाली नहीं है, उसे भी रद्द कर दिया गया। अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार को सेना की भर्ती योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उसने बस जबरिया अग्निपथ योजना को थोप दिया। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि कम से कम जो नियमित परीक्षा है उसे जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए और इन नौजवानों को उम्र में छूट भी दी जाए, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से इनकी उम्र सीमा गड़बड़ा चुकी है। अब सुन लीजिए हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवड़े क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि साल 2020 की शुरुआत में उन्होंने PM मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उसी तरह से जवानों को भी कम
अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। लेकिन पूर्व जनरल अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था, परंतु सरकार की तरफ से जब प्रस्ताव आया तो वो चौंकाने वाला था। सरकार ने थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना सबको इस योजना में शामिल कर दिया, जो कि सभी सेनाओं के लिए चौंकाने वाला ही था। पूर्व सेना प्रमुख लिखते हैं कि मेरा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ थल सेना के लिए था, लेकिन जब वायुसेना और नौसेना को शामिल किया गया तो मैं खुद ही हैरान रह गया। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि शुरुआत में जब इस योजना पर चर्चा हो रही थी तब बात यह थी कि 100 में से 75 को रखा जाएगा और 25 को वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन फाइनली जब सरकार ने योजना को पटल पर उतारने का फैसला लिया तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। तब यह हुआ कि 100 में से 25 को ही रखेंगे और 75 को वापस भेज देंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि शुरुआत में अग्निवीरों को 20,000 रुपया तनख्वाह देने की चर्चा थी, लेकिन सेना की दृढ़ता की वजह से 30,000 तक तनख्वाह कर दी गई। अब यहां सवाल यह उठता है कि सेना के लिए ये बातें चौंकाने वाली क्यों थी? क्या सेना में भी इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी? क्या सेना के भी बड़े बड़े अधिकारियों से इन चीजों पर परामर्श नहीं लिया गया? क्या यहां भी 3 कृषि कानूनों की तरह खेल हो गया? जिन किसानों के लिए कानून बन रहा था उनसे कोई चर्चा ही नहीं, कोई रायशुमारी नहीं की जाती है। बड़े बड़े सेठों के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बड़े बड़े मोटे पेट वालों को कृषि कानून का जिम्मा दिया जाता है, उनसे रायशुमारी की जाती है। अब हालत यह है कि अग्निपथ योजना के कारण युवा बहुत परेशान है, उनके पास सैनिक के तौर पर भर्ती होने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अग्निवीर उनकी मजबूरी बनकर रह गई है। युवाओं का कहना है कि इससे सेना के प्रति जोश और जज्बा खत्म होने लगा है। रिटायर्ड अधिकारियों का मानना है कि यह योजना न तो सेना के हित में है और न ही देश के युवाओं की। युवा लगातार इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि पिछले लगभग 9.5 सालों में खाली इस देश के किसान ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को घुटने के बल पर लाकर खड़ा कर दिया। युवाओं के पास न तो उतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, न संसाधन है, और न ही उस तरह का मजबूत संगठन है, और न ही उतना धैर्य है जितना किसानों ने दिखाया था। शायद युवा लगातार साल भर बैठकर धरना प्रदर्शन संगठित तरीके से नहीं कर पाएंगे या उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, ऐसा ही मानकर सरकार बैठ गई है, इसीलिए जमकर मनमानी की जा रही है। ये बातें कितनी चौंकाने वाली हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार कोई भी व्यवस्था जिनके लिए लागू करती है उनसे भी बात नहीं करती, उनसे कोई रायशुमारी नहीं करती, कोई पूछताछ नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। आइए अब दिल्ली चलते हैं, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। पिछले दिनों इन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, इस पर इन्होंने उल्टा ईडी से ही पूछना शुरू कर दिया कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया है, आरोपी के रूप में बुलाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया है, कि मेरी राय जानने के लिए बुलाया है, किस लिए बुलाया है, पहले ये तो बताइए। ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप खाली मुंह उठाकर बुला दें और हम चले आए पूछताछ के लिए। बताइए किस हैसियत से बुलाया है, साफ साफ बताइए, नहीं तो मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए जाना है। और केजरीवाल चले गए, ईडी ऑफिस में नहीं गए। इसके बाद उन्हें 21 दिसंबर को फिर से ईडी ने बुलाया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें कहीं और जाना है। अब खबर आ रही है कि 19 दिसंबर से 10 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल विपासना शिविर में जा रहे हैं, यानी फिर से वो ईडी के बुलावे पर नहीं जाने वाले। इसलिए एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि साहेब के दांव का काट खाली केजरीवाल के पास ही है। लेकिन यहां एक बात और है, एक सवाल और खड़ा होता है कि वो सारा काट व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल का ही बचाव क्यों करता है? उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया महीनों से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन कई महीने जेल काट कर आए हैं, इलाज के नाम पर बाहर हैं, संजय सिंह बंद हैं, तो इन लोगों के मामले में केजरीवाल का काट काम क्यों नहीं करता? क्या है अंदर की बात, आखिर माजरा क्या है? अंदाजा लगाते रहिए। उधर एक बड़ा मामला तेलंगाना में हो गया है। कांग्रेस ने हाल ही में वहां पर बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन सरकार बनते ही कुछ लोग नजर गड़ाकर बैठ गए, यानी वो जो कहावत है कि घर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, वो एकदम सटीक बैठ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के महासचिव कैलाश ने कहा कि बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह और बीआरएस नेता कादियाम श्रीहरि ने बयान दिया है कि 6 महीने बाद तेलंगाना सरकार गिर जाएगी। हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन बीजेपी नेता और बीआरएस के नेता कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने डीजीपी को लिखित शिकायत भी दी है और जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा और बीआरएस मिलकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही भाजपा नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आने लगे, और सरकार बनने से पहले ही बात सामने आने लगी थी कि बहुत जल्द कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी। कुछ लोगों ने तो 6 महीने का टाइमलाइन भी दे दिया था और सरेआम ऐलान कर दिया था कि 6 महीने के भीतर कांग्रेस की सरकार निपटा दी जाएगी। अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह के दावे अगर आए तो उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके पहले बीजेपी का सरकारों को गिराने का लंबा इतिहास रहा है। इसलिए इस तरह की बातों को हवा में नहीं ले सकते, क्योंकि बीजेपी ने इस तरह की प्लानिंग जमीन पर उतार कर दिखा दिया है। और यदि आप थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो एक बार एक मिनट पूरी कहानी सुन लीजिए। साल 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 42 विधायक थे, बहुमत की सरकार थी, सब ने बगावत कर दी एक साथ।
पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल बन गई, बाद में भाजपा में विलय हो गई। अगले साल 2017 में गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, 10 विधायकों ने इस्तीफा दिया, बाद में सब भाजपा में शामिल हो गए। 2018 में कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। एक साल बाद कई विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया और बीजेपी सत्ता में आ गई। साल 2020 में मध्य प्रदेश में सिंधिया के माध्यम से 3-5-18 वाला गेम हुआ। इसके बाद उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक खूब सारी कोशिशें हुई कांग्रेस की सरकारों को गिराने की। उत्तराखंड में तो राष्ट्रपति शासन तक मामला पहुंच गया। राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर किस तरीके से खेल हो रहा था आपको याद ही होगा। और महाराष्ट्र का मामला तो एकदम गर्मा गर्म है, जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों को दोफाड़ कर दिया गया और भाजपा सत्ता में आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध बताया, असंवैधानिक बताया, विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा में स्पीकर पर छोड़ दिया और स्पीकर पिछले कई महीनों से अयोग्यता पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां बार बार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट केवल एक तरफ दया दिखाते हुए दयालुता की पराकाष्ठा छूने में लगा हुआ है और लोग चर्चा यहां तक करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सरकार गिरनी नहीं चाहिए और वो इसमें सफल होती हुई भी दिख सकती है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो तो यही दिखा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख तय कर दी है। स्पीकर के पक्षकार वकील का कहना है कि आखिरी बार आपसे समय मांग रहे हैं, अब देखना यह है कि ये वाला सच में आखिरी बार होता है या फिर 2-4 बार और आखिरी बार चलता है और 2-4 बार और सुप्रीम कोर्ट दया दिखाता है। यानी पिछले कुछ सालों का बीजेपी का जो रिकॉर्ड है उसे देखकर देश की किसी भी राज्य सरकार को निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। अपने विधायकों का हालचाल लेते रहना जरूरी है, वरना कभी भी बस और होटल बुक हो सकता है और अचानक विधायकों का फोनवा बंद हो सकता है। वैसे भी विश्व गुरु टाइप का यही तो कारनामा है, शायद ही दुनिया में कहीं कोई विधायक चोरी होता होगा। और भारत में तो विधायक चोरी ही नहीं होते बल्कि लूट लिए जाते हैं। अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी सरकार गिराने में बड़े बड़े सेठों का पैसा लगा था, उन्हीं सेठों का लगा था जिन्हें महाराष्ट्र का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है, खासकर धारावी वाला प्रोजेक्ट। वैसे चर्चा यह भी चल रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगहों पर अपने विधायकों को बेहद सुरक्षित रखने की जरूरत है, वरना कभी भी कोई भी नकली चाणक्य खेला कर सकता है, क्योंकि पैसा और डंडा अभी भी दोनों उनके पास भर भर के है। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।